ये सच की बधाई है या अनु ताना मार रही है कि भाभी जी ने कुछ बता तो नहीं दिया ना? और मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं सच में तारीफ कर रही हूँ या फिर तुम्हें ताना मार रही हूँ? अच्छा ये बताओ कि आगे और क्या मैं सोच रहा हूँ, बताओ, यू टेल मी। आगे जो भी सोच रहे हो कुछ मत सोचो, क्योंकि मैं जेन्युइनली तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम औरों की तरह बदतमीज नहीं हो। और कौन? छोड़ो ना औरों को, बकवास। और आज हम तुम्हारी बात करें। यू आर द बेस्ट। रियली? यू थिंक सो? यार तुम ना कितनी स्वीट हो यार, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो, खास और तभी तो कमाल बातें कर रही हो। यू नो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना जो जलेबी है उसको निचोड़ के उसका रस जो मेरे कानों में डाल दिया और वो रस धीरे 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 मेरे हलक में आ रहा है। आई एम फीलिंग सच अ स्वीटी टेस्ट। सुनो ना, और मैं तो तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितने निकम्मे हो, चाहे तुम कितने नल्ले हो, चाहे तुम कितने आवारा हो, चाहे तुम कितना टाइम पास करते हो, चाहे सोसाइटी में तुम्हारी डॉगी जितनी इज्जत हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मैं कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता बेबी, और मैंने आज तक तुम्हारे सामने की बात है कभी मर्यादा लांघी ही नहीं। you know, I'm sure. लेकिन ऐसे मतलब ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा पूछ लूं तुमसे। sure. क्या तुम कभी किसी लड़की को छेड़ सकते हो? ये इनविटेशन है या क्वेश्चन है? हाँ मतलब ऐसी कैजुअल क्वेश्चन। मैं कभी किसी लड़की को छेड़ ही नहीं सकता। इट्स नॉट इन मी। आई नो बेबी, तुम्हें याद है शादी से पहले हैं तुम्हें गुंडों ने घेर लिया था, तुम्हें छेड़ रहे थे, मैं कैसे बीच में आया, फिर मैंने क्या मारा मारी की थी। यू रिमेम्बर दैट? यू रिमेम्बर दैट? एंड आई वाज सो गुड। हां हां तुम बहुत पिटे थे, तुम्हारी क्या सुताई हुई थी, ऐसी सुताई और ऐसी धुलाई की थी उन गुंडों ने कि तुम 3 दिन आईसीयू में पड़े हुए थे। बट मगर यू नो, मगर मैंने कहा, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा विभू मत पड़ो बीच में, मत कूदो, मैं संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी। लेकिन नहीं, जनाब को तो हीरो बनकर बीच में कूदना था। और याद है क्या किया था गुंडों ने? तुम्हारे पैर जो है जीप से बांध दिए थे और तुमको घसीट घसीट के ले गए थे। और तुम्हारा जो चेहरा था वो ताजे गोबर में से भी गुजरा था। बेबी तुम हर चीज इतनी एक्सप्लेन करके बता रही हो। और सुनो 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 क्या हुआ ना, वो जो कड़ी पत्ता का झाड़ था वो तुम्हारे मुंह में घुसा दिया था, मुंह में गोबर और अंदर कड़ी पत्ते का झाड़। तुम्हें सब कुछ याद है, डिटेलिंग के साथ याद है, हैं? लेकिन एक बार तुमने ये नहीं कहा कि मैंने कितनी बहादुरी से इनका सामना किया था। एंड आई वाज सो गुड। आज तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे। I'm sorry. मैं सच में तुम्हारी तारीफ करना चाह रही हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम तो हीरा हो, हीरा, डायमंड। I mean, अंकल, तुम ना तुम बस मुझे शर्मिंदा कर रही हो ना एक्चुअली। नहीं बिबू, यू डिजर्व इट। थैंक गॉड कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो जो बाहर से कुछ और अंदर से छिछोरे हैं। Really? Really? Come baby. Hi. ये क्या है पगली? अपर ये तो सही। तुम नहीं हो इंसान। तुम हो धरती के देवता। तुमको देखते ही श्रद्धा से अपने आठों हाथ जोड़ ले केकड़ा। तुम्हारे आगे मैं घंटी बजाऊं, तुम्हारे लिए मैं छोले पकाऊं। तुम सुंदर से धड़कते दिल, बाकी दुनिया जला हुआ फेफड़ा।
नहीं हो इंसान, तुम हो धरती के देवता। ये क्या लिख मारा पगली? कि हम आपको कॉन्स्टिपेट किए हैं। कॉन्स्टिपेट ही किए हैं, लेकिन फिलहाल वो अप्रिशिएट होता है पगली। सही पकड़े हैं, ये हम आपकी तारीफ में लिखे हैं। क्यों अचानक काय तारीफ कर दी? अचानक नहीं, इतने सालों से देख रहे हैं हम लड्डू के भैया आपको, आप बाकी सब लोगों से बहुत 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 अच्छे हैं। बाकी सब लोग मतलब? वो सब छोड़िए, अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारा डेंसिटी कितना अच्छा है कि आप हमको मिले। नहीं, डेंसिटी तो खैर तुम्हारे जड़ दिमाग में भरी पड़ी है पगली, फिलहाल वो डेस्टिनी होता है। सही पकड़े हैं, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे जीवन में आए। अनुजू के भैया, हमको एक बात बताइए, हाँ आप कि अगर आपको कोनो भिखारी रास्ते पर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? हम कहेंगे कि कैसे हैं भवती जी। मजाक छोड़िए, मजाक ना ही कर रहे हैं, हमको सच्ची सच्ची बताइए, अगर रास्ते में कोनो भिखारी मिलेगा तो क्या करेंगे? हम उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल देंगे और अगर सर्दियां आने वाली हुई तो एक ठो कंबल खरीद के दे देंगे। आई थी आप पुरुष ना ही है लड्डू के भैया। आप महापुरुष है, महापुरुष का विचार है आपकी। आई थी नहीं नहीं, ऐसी वैसी भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी कोई बहुत अच्छे विचार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही बात है, वो तो आप इतने महान है कि आप मानते ही नहीं है कि आप महान है। हम तो हर जन्म में अगले जन्म में भी आपको पति रूप में चाहते हैं। आई भैया अभी भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन कि भैया आई लव यू। एक बार सोचा होगा भाभी जी ने, न जाने कितनी गालियां दी होंगी हमें, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर प्रेम का पौधा खिलने लगा होगा, और शाम होते होते तक उस प्रेम के पौधे में अब फूल भी लगने लगेंगे। ओहो, लगता है भाभी जी का मैसेज आया है। देखे क्या कहा है? तिवारी जी, मैंने पूरी रात कल की घटना के बारे में सोचा। आप कैसे लीचड़ गिरे हुए इंसान की तरह उस लड़की के पीछे लगे हुए थे। सच कहूं तो पहले तो आप पे बहुत गुस्सा आया, वाह, लेकिन फिर पिछले 5 साल याद किए मैंने और मुझे रियलाइज हुआ कि आपके अंदर एक शरीफ इंसान है। मेरा मन कहता है कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान है, मैं उस इंसान को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। अरे यार ये क्या बोल रही है? तो मैं कल इस बात को इग्नोर कर रही हूँ, कभी कभी इंसान बहक जाता है और इसके लिए उससे नफरत नहीं की जा सकती। अबे यार साला, यहाँ पर 1500 रुपए देकर इतना बड़ा ड्रामा किया और भाभी जी जैसे समझदार महिला इसका कुछ अलग ही मतलब ले गई। यार ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, लगता है गिरावट की मात्रा को थोड़ा और बढ़ाना होगा ताकि नफरत की मात्रा बढ़े और फिर प्रेम की भी। तुम दोंगन पे तो दिखती है पॉजिटिविटी, लेकिन जाकी शकल जैसे ही देखते हैं ना, हमें लग रहा हो तुम्हारी नैया यही से डूब रही है। जब लौंडा को तुम अपने ग्रुप से ही अलग कर दो, सारे सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। तो हम सीधो कहनो, या तो जाको अलग करो, नहीं तो एक काम करो, सो तो धंधा बंद करो। अरे अरे दरोगा, कूल कूल कूल। दरोगा जी एक काम करते, एक दो दिन और टाइम दे दो हमको, कछु बढ़िया कर देंगे कुछ। हाँ पता नहीं सारो, हमें ऐसो काय लग रहो कि जे सारे लौंडा लपाड़ी धंधा में पाँव जमा ना रहे, बल्कि हमारी छाती पे अपनो पाँव मार रहे। नजर रखने पड़ रही है इन पे, सारे हमें से होशियारी दिखा रहे। पेलो पेलो, आसमान से उतरी परी कहा उड़ चली,
तोड़ दूंगा तेरी एक एक लड़ी। भाभी जी नॉट अगेन, क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी आज मैं इसे छेड़ूंगा नहीं बल्कि आज इसे लूटूंगा। ये मंगलसूत्र मुझे दे दे कमला, नहीं तो कर दूंगा तेरे पे हमला। कमला जी आपके पति नहीं रहे? ना 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 दीदी, ये बात नहीं आ गई। ये है ना सोने को है गो, और है ना जे देने के बाद ना मौके पति के सारे पैसे खत्म आ गए। नया कुछ खरीदने की ताकत ही ना बची, तो उस हिसाब से तो ये उनकी आखिरी निशानी है गई ना। आखिरी निशानी है गई या सेकंड लास्ट निशानी है गई, ये मंगल सूत्र हमें दे दो कमला। नो तिवारी जी नो, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं भाभी नहीं, आप बीच में बताइए भाभी जी। नहीं नहीं भाभी जी, मंगल सूत्र जी आप समझते क्यों नहीं है कि मंगल सूत्र सुहाग की निशानी होती है, ये औरत के लिए सबसे बड़ा गहना होती है। वापस कीजिए, चलिए रिटर्न। नहीं भाभी जी, अगर हम ऐसे मंगल सूत्र वापिस करते रहे तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। कमला चलो पुलिस में इस आदमी के खिलाफ हम लोग रिपोर्ट लिखवाएंगे। ना ना दीदी रहने दो, कोई बात ना, अगर मौके मंगल सूत्र से किसी गरीब को पेट भरते है तो यही ठीक है गो। अरे लेकिन कमला तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे पति तुम्हारे लिए दूसरा सोने का मंगल सूत्र नहीं बना पाएंगे। कोई बात ना, हम नया पति रख लेंगे, वो दे देगो। कमला लुट गई। कमला देखा भाभी जी देखा। Shut up. That's not the point. पॉइंट ये है कि आप एक बहुत ही गिरे हुए इंसान है। वो बता नहीं सकती मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर रही हूँ। मन करो आपको मुंह उठ लूं। ओके भाभी जी, थैंक यू उस नफरत के लिए, आप जा सकती हैं। अरे चलो चलो रेशा, साधे की मुझे शक्ल नहीं दे रपिश। ये तेरी देखिए, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझाते हैं। नहीं नहीं, अब मैं समझाऊंगा आपको। ऐसा भी है कि जब भी कोई आदमी किसी सुहागन औरत के सुहाग के निशाने को हाथ लगाता है तो उस आदमी के हाथ के साथ मैं कुछ ऐसा करता हूँ भैया कि उसको रोज सुबह बाथरूम जाते समय अपने साथ रामलाल को ले जाना पड़ता है। समझ रहे? तो अब या तो आप रहेंगे या आपके हाथ रहेंगे भैया। हैं I like it. ओ अनीता जी का है ना कि हमरी एक ठो दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और वो ना बहुत अच्छे घर से भी है, और उसका पति नल्ला है। ओहो फिर अब लेकिन ना अब अभी तो जो हम देखे हैं वो तो हद ही हो गया है बिल्कुल। क्या हद हो गई? कहा ना हम उनके पति को एक ठो भिखारी के कटोरे में से पैसा चुराते हुए देखे। Oh my God! हाय दिया, गार्ड को अभी ना याद कीजिए, अभी जो हम बताएंगे ना तब याद कीजिएगा। हम तो यहाँ तक देखे कि वो भिखारी का मुंह से रोटी छीनकर भागा। छी 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 छी, that's so disgusting. हाँ नीता जी, भरोसा तो हमको भी ना ही था, हम तो बहुत इज्जत करते थे उका, हमको उका पंचर भी बहुत पसंद था। अंगूरी जी नेचर कही, आप नेचर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। उका हमको उका स्वभाव ना बहुत बहुत पसंद था, लेकिन उका ये हरकत देखने के बाद तो हमरे नजरों से ही उतर गया है वो। वैसे ये जलील इंसान है कौन? जानती है उनको, लेकिन हम नाम ना ही बता सकते हैं। अच्छा खैर छोड़िए, दरअसल मैं भी आपको एक स्टोरी बताना चाह रही थी, मेरे पास भी एक स्टोरी है। हाँ तो बताइए ना। अंगूरी जी क्या बताऊँ, मेरी एक सहेली है, उनके हस्बैंड हैं, वैसे तो दिखने में बड़े सीधे साधे और सज्जन लगते हैं, लेकिन पता है मैंने क्या देखा? वो एक लड़की को सरेआम छेड़ रहे थे। हाय दैया। अरे हाय दैया, बचा के रखिए अंगूरी जी, आगे आपको ज्यादा जरूरत होगी इसकी। आज तो हद ही हो गई,
आज मैंने देखा कि वो उस लड़की का मंगलसूत्र गले से छीन के चुरा के लेके जा रहे थे। छी, हाय दियो, कैसे कैसे लोग होते हैं ना। अब कौन था ये बदमाश? अब वो 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 जो है ना, वो आपके बड़े करीबी हैं। हमरे करीब? आज जहाँ तक हम सोच सकते हैं, बरबूती जी। भाई दिया, ये सब बरबूती जी की है? अरे नहीं अंगूरी जी, विभू नहीं, विभू तो बहुत सीधा है, वो तिवारी जी थे। तिवारी जी? तिवारी जी को जरा काबू में रखिए, उसको कहिए कि वो विभू से कुछ सीखे, विभू कितना सीधा है। हाँ हाँ, जाने दीजिए अनीता जी, भरभूति जी भी कौनो गंगा में नहाए हुए ना ही हैं। ये जो हम भिखारी वाला बात बताए रहे ना, वो जो आदमी मुंह का रोटी छीन कर भागा, वो और कौन ना ही भरभूति जी ही हैं। बेब्स, जरा अपनी पतली पतली उंगलियों से मेरे सर में चप्पी कर दो। कम ऑन, साइड में जाके सो जाओ। मैं आज की रात कल की रात की तरह हसीन और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तुम अपनी पतली पतली उंगलियां प्रेम की चाशनी में डुबा के मेरे बालों में फिराओ, मुझे अच्छा लगेगा। I'll feel nice. Come on. प्रेम की चाशनी? उनको रो, तुम्हारे बाल खींच के उखाड़ लूं, तुम्हें गंजा कर दूं। यार ये कैसे रिएक्ट कर रही हो यार? कहा तो तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रही थी। You were gaga over me. मैंने तुम्हारी असली सूरत नहीं देखी थी, मेरी आंखों में गलत फहमी का कंजक्टिवाइटिस हो गया था। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ यार। देखो तुम एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है, मतलब तुम्हारा दिया सब कुछ है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं यार, इसमें क्या है? अरे तो ऐसी क्या भूख लग गई थी कि भिखारी के एक भिखारी के मुंह से निवाला छीन के खा लिया? अब कैसे आंखें फड़ फड़ के क्या देख रहे हो? अंगूरी जी ने मुझे सब बता दिया है। क्यों किया ऐसा, जवाब दो। बेबी एक्चुअली क्या हुआ कि जो भाभी जी ने जो रोटी दी थी ना भिखारी को, उसमें फंगस लगी हुई थी, फफूंद लगी हुई थी। मुझे लगा कि अगर ये खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो मैंने रोटी छीन के खा ली और मैंने जो समाज के प्रति मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। This is the way I am. What? क्या लग रहा है मेरे चेहरे को देखकर कि मैं ये तुम्हारी बात मान लूंगी? नहीं, अगर नहीं मानोगी तो एक बहाना और है, मतलब एक रीजन और है मेरे। Shut up. हैं? Shut up. Okay, shut up. अंगूरी जी ने मुझे ये भी बताया कि तुम एक भिखारी के कटोरे से पैसे लेकर भागे हो, एक एक की दो दो रुपए की चिल्लर लेके भागे हो। ये झूठ है, सरासर झूठ, ये एलिगेशन है मुझ पे। No, this is not true. झूठ तुम बोल रहे हो, अंगूरी जी बिल्कुल सच कह रही हैं। अरे भैया क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई थी तो चिल्लर लेके भाग रहे थे आप? बोलो भी, अब तो कम से कम सच बता दो, शायद शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो आई एडमिट मैंने भिखारी कटोरे में से पैसे चुराए हैं। क्यों? Why? Actually, क्या था, अगर वो कुल्फी वाला आया था, जो आता ना मेरे मोहल्ले में, ले लो वो वाला कुल्फी वाला, and I love his कुल्फी। मेरे पास वॉलेट नहीं था तो मैंने देखा कि सामने भिखारी बैठा था, उसे कटोरे में कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने निकाल के उससे कुल्फी ले ली। Disgusting. Disgusting you are. मैं एक चोर के साथ ये कमरा शेयर नहीं कर सकती, पलंग शेयर नहीं कर सकती। Well, I understand. मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी अपसेट हो मुझसे। खैर नहीं भाई, नीचे मच्छर बहुत है, एक काम करो, ये मस्कर रिपेलेंट ले जाओ, और तकिया कौन सी लोगी, ये लोगी या ये ले लो। जी नहीं, हाँ। नीचे आप जा रहे हैं। This is very unfair. तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। इंसानों का कैरेक्टर होता है कि नहीं होता? नहीं नहीं, कैरेक्टर तो उस इंसान का होता है जो एक भिखारी के मुंह से निवाला और कटोरे से पैसे लेकर भाग जाए। नहीं, एटलीस्ट ये मच्छर वाली ये तो ले जाओ, नीचे काम आएगी। डू यू माइंड इफ आई टेक दिस? ओके। हमारी भूखी बकरियां और हमारे भूखे तीन ऊंट और दो कुत्ते भी आपको दुआएं देंगे बाबूजी। हतिया, एक ठो मिनट भैया, पिछली बार तो आप बोले थे कि आपके तीन ठो कुत्ते हैं और दो ठो ऊंट हैं। वो मैया, हाँ मैया, वो क्या है मैया कि गरीब के कुत्ते और ऊंट बराबर साइज के होते हैं।
आज सुबह जब हमने गौर से देखा तो तीन कुत्तों में से एक ऊंट था, इसलिए तीन ऊंट और दो कुत्ते मैया। भाभी जी अब देखे, इसने मुझे माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, हम तो ना ही माफ कर सकते हैं। जो आदमी गरीबों का पैसा लूटता है ना, उस पर हम कभी भरोसा ना ही कर सकते हैं। हमको आप पर अब लस्ट ना ही रहा। अभी जी लस्ट नहीं, वो ट्रस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको कौन भरोसा ना ही है आप पर। बस भाभी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाभी, लिसन टू मी। भाभी जी यार, जब नजर से गिराना था तो एक झटके में गिरा दिया, अब क्या अच्छाई के लिए 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा क्या? सक्सेना जी, I can explain this. नहीं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ भैया, कि जब भी कोई आदमी किसी गरीब आदमी के पैसे छीनता है, किसी गरीब भिखारी के पैसे छीनता है ना, मुझे बहुत दुख होता है भैया, बहुत तकलीफ होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी गरीब भिखारी से उसके पैसे छीने जाएं, खासतौर पर ऐसा भिखारी जो कि अपनी सारी कमाई जानवरों को खिला देता है भैया, और खुद 5 दिन से भूखा है, उसके 500 का नोट छीन लिया आपने भैया। आई डोंट लाइक इट। अंकल, कैन यू हिट मी? आई लाइक इट। आपके पास बहुत जानवर हैं, मुझे मिलवाओ ना। किससे? अपने पूरे चिड़िया घर से। कुत्ते से या कुतिया से? आई डोंट लाइक इट। बहुत कमीना है ये विभूति, साला सारे नोट ले गया भूतनी का। ये ले पकड़, चल। तिवारी भैया, अब ऐसे एक बात कहूं? बोल। आपके भले की है भी। बोल। आप मुझे ना रोज छेड़ते हो, तो वो को छेड़ने का मंथली पास क्यों ना बनवा लेते आप, सस्ता पड़ेगो। जो कहा जाए ना पहले वो कर ले, समझ गया? कान में कान ला, समझ गया? और देख तेरा मुंह बंद करने की कीमत हम पहले दे चुके हैं, अब हम जो कहें जैसा कहें जो वैसा करना है, समझ गया? चलिए भाभी जी आ रही है, छोड़ो जा। कमला प्लीज, कमला देख, दे कमला, आज मेरी नियत को समझ, तू समझ गई ना? कमला देख, सुन no! कमला रोकिए। हरी जी, अगर आपने आज कोई बदतमीजी की ना तो आप पिट जाएंगे मेरे हाथों से। दीदी कमला तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। कमला सुनो, लाओ इधर। तिवारी जी नो, गो, जाइए आप यहाँ से। भाभी जी हमें हमारी बात तो सुनो। तिवारी जी नो। देखिए भाभी जी, आज हम इससे कुछ छीनने वगैरह इसके वो करने नहीं आए हैं। हाँ दीदी, ये एकदम सही कह रहे हैं, आज इनकी नजरों में ना हवस भी दिखाई नहीं दे रही है गई। अरे कमला तुम बड़ी अजीब औरत हो, 2 दिन से ये आदमी तुम्हें टॉर्चर कर रहा है और आज तुम इन्हीं की साइड ले रही हो। देख भाभी जी, क्या है कि ये जो समझ पा रही है आप नहीं समझ पा रही है। देखिए राखी जो है ये, तिवारी जी खबरदार, मैं आप जैसे इंसान को तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। ये दिन तो भगवान कभी ना है जो आप हमें राखी बांधे। भाभी जी दरअसल हम इसके हाथों में राखी बांधना चाहते हैं। मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मेरे भैया जुग जुग जियो। चुप रहो कमला, ये आदमी एक दिन में इतना कैसे बदल सकता है? अरे इसकी कोई और घिनौनी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए। भाभी जी आप समझ नहीं रही है, इसमें हमारी कोई चाल नहीं है, कोई चाल नहीं है। रहने दीजिए तिवारी जी, जिस स्कूल की खिड़की पे आप खड़े हैं ना, उस स्कूल से मैं PhD कर चुकी हूँ, तो आप मुझे तो समझाने की कोशिश मत करिए। चलो रिक्शे वाले भैया। नहीं भाभी जी, आज जब तक कमला हमारे हाथों में राखी नहीं बांध देती तब तक रिक्शा को आगे नहीं जाने देगा, और अगर रिक्शा आगे गया तो हमारी लाश पर से गुजर के जाएगा। मेरे भैया, रिक्शे वाले भैया रिक्शा चलाओ। मर गया भाभी ने हमारी गुजारिश भी नहीं सुनी। क्या देखा करो सर, काम भैया मेरे
राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। ऐसा पेट भर को खाना खा लो है, ऐसा लग रहा है जैसे एक हफ्ते तक मैं कछु ना खाऊंगा यार। हाय टिक्स यार, ठीक है एक काम है यार। भैया आपने देखो ना, अभी पेट भर के खाना खाओ, मैंने हिलबे की भी हिम्मत ना आया अभी। भैया मैं कछु काम ना कर सकता हूँ, जो भी काम करना है वो आप खुद कर लो। देखो ऐसा है कि अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अगर कस्टमर उसके दरवाजे पे आए तो उसे नाराज नहीं करता है। नहीं करूंगा तो क्या उखाड़ लोगे हैं? तुम कानपुर के कलेक्टर हो रखे हो क्या? ठीक है ये मत बोलो कि जो तुमने खाना भस्का है अभी ठूसा है वो मेरे पैसों से आया है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे अभी तो मैं किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। मार्केट में और भी बहुत सारे मछलियां हैं। ये मार्केट में मछलियां नहीं मगरमच्छ बैठे। ये अपनी जेब मार्केट में जाके दिखाओगे ना तो तुम्हारी जेब नहीं हो तुमको पूरा निगल लेंगे। बेटा बेटा इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। देखो तुम अगर कहोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम चलो मेरे साथ, थोड़ी अर्जेंसी है। ओके भैया मुझे लग रहा है कि आपने है ना आज अनीता भाभी को कोई बहुत बड़ा वाला गहनों भेज दो, ऑर्नामेंट भेज दो। भैया बताओ काम क्या है वैसे? बड़ा सिंपल सा काम है, तुम्हें जाना है भाभी जी के पास और खाना मांगना है। मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, बस बात खत्म होगी। सिंपल है एकदम। अच्छा हाँ बस सिंपल। भैया अभी काम करवा रहे हो कि काम तमाम करवा रहे हो? मतलब आपको पता होगा कि मैंने इतने भसक के खाना खाला हुआ है, एक चूरण की गोली घुसड़ने की जगह ना है पेट के अंदर। अच्छा बातों की बातें करो, मैं ना करूंगा भैया काम। प्लीज यार मैं खाना खिलाऊंगा नहीं यार, मैं काम करता हूँ। डकार मारना बंद कर यार। मैं क्या बोलूं, खाना खिलाऊंगा नहीं, मैं तेरी झोली में खाना डाल दूंगा बस। ठीक है रहना तो भैया, जो जो उसमें आप खिला भी दोगे पता ना है आपको। अरे प्रॉमिस करता हूँ नहीं खिलाऊंगा यार, तेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं जाएगा, मेरा वर्ड है तेरे को। ठीक है बस बताओ भैया। हाँ आपको काम करने को मन है ना, मेरे रत्ती भर भी ना है। देखो क्या करूं, आप नल्ले आदमी हो, आपको काम हमारे बिना अब चलते ना है। ठीक है बताओ क्या काम कर रहे हैं, जल्दी बोलो, टाइम ना है मेरे पास। तुम्हें काम बोला ना मैंने यार, बता तो दिया काम। ठीक है उठाओ। मैं क्या उठाऊं, भगवान उठाएगा तेरे को तो। जस्ट जोकिंग यार, आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर। चल 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 चल। भैया जी आपके 1190 रुपए हो गए, इनसे ले लो। मैं कह रही हूँ हवाई जहाज लेंगे। मेरी बात सुने, अरे ठहर जाओ, ऐसे का झगड़ रही लौंडो। अरे दरोगा जी आप ही बताओ, देखो एक हम ना तीनों बिजनेस खोलने जा रहे हैं। ये बावला कह रही है कि पानी का जहाज खरीदेंगे, मैं कह रही हूँ हवाई जहाज खरीदेंगे, है कि नहीं? हवाई जहाज खरीदने में ज्यादा फायदा है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ तुम। इसको तो ना दिमाग खराब होगा, फालतू का कर रहा है। ऑयल टैंकर में लाखों करोड़ों को फायदा होगा कि नहीं? तेरू दिमाग खराब है का, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? दरोगा जी अच्छी अच्छी कमाई है रही है, ऐसी हालत रही ना तो थोड़े तो अगर पैसे बरसते रहे तो अच्छी खासी बता, हम लोग जो है लाखन में। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।